एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आई टॉय वर्स एंड गेम्स में। और आज मैं आप सबके लिए रिव्यू करने वाला हूँ टॉय स्टोरी से बज़ लाइटियर का टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड। चलिए करते हैं इसका रिव्यू स्टार्ट। तो यहाँ पर है अपना बज़ लाइटियर। आप इसके डिब्बे को देख पा रहे होंगे, आराम से ये डब्बा है। डिब्बे की कुछ हालत सही नहीं है, ये ऐसे ही हो गया है। और ये मेटल की तरफ से है, डिज्नी पिक्सार का लोगो। यहाँ पर 25 इयर्स ऑफ टॉय स्टोरी के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर टॉय स्टोरी, यहाँ पर अल्टीमेट स्पेस रेंजर, बज़ लाइटियर। मैं आपको पास से और दिखा देता हूँ। यहाँ पर ट्राई मी 20 प्लस साउंड्स, इसमें अलग अलग साउंड भी हैं, जैसे कि इसकी फिल्म में होते हैं टॉय स्टोरी में। यहाँ पर बज़ लाइटियर का एक फोटो, यहाँ पर टॉय स्टोरी, अल्टीमेट रेंजर, यहाँ पर बज़ लाइटियर कुछ मूवी से शॉट। और चलिए देखते हैं इसके पीछे पीछे एक प्रोडक्ट शॉट बज़ लाइटियर का। यहाँ पर बूट स्टिकर, और यहाँ पर और भी दूसरे एक्शन फिगर्स, माने इसी वाली लाइन से, जो कि वाला छोटा एलियन है जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ। लेट्स गेट चार्ट क्लियर अप, गियर्ड अप, क्लियर अप नहीं, तो नीचे की तरफ इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर है ये QR कोड, इसको आप स्कैन करके देख सकते हैं, इसको हमारे स्कैन करके देख सकते हैं कि कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए अपन ने देख लिया, अब खोलते हैं इसके डब्बे को और निकालते हैं बस लाइटियर को डब्बे से बाहर। पैकेट को खोल लेते हैं, ऐसे खुला हुआ है, निकालते हैं बस लाइटियर को। तो यहाँ पर निकाल दिया है मैंने बस लाइटियर को बाहर। अब मैं इसको इसकी पैकेट से भी निकाल देता हूँ बाहर और करते हैं इसका रिव्यू स्टार्ट। तो यहाँ पर है अपना बज़ लाइटियर का एक्शन फिगर, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से स्कल्प्ट किया गया है और बहुत अच्छी पेंट जॉब की गई है। और ये देखने में बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल मूवी को रिजेम्बलेंस कर रहा है। और टॉय है तो टॉय स्टोरी से टॉय ही है, और अच्छा दिख रहा है। मैं आपको इसको चारों तरफ से दिखा देता हूँ, देख पा रहे हैं। पीछे यहाँ पर कंपार्टमेंट है इसके सेल लगने का, क्योंकि इसमें वॉइस भी आती है इसके अंदर से, जैसे कि वो फिल्म में आती थी उस वाले खिलौने से। मैं आपको एक बजा के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ बोला जो कि मुझे समझ में तो आया, पर अच्छे से नहीं, ट्रेड्स विल वेल बोला कुछ। और चलिए मैं आपको इसकी एक्सरसाइज दिखा देता हूँ। मिलती हैं बहुत सारी एक्सेसरीज, जो कि 6 एक्सेसरीज मिलती हैं अपन को। दो इसके पाँव के लिए, जो कि हैं पाँव के रोलर्स या पाँव के ये ऐसे हैं जहाँ पर पाँव में पंगे लगे हुए हैं, जिससे आगे पीछे जा सकता है। यहाँ पर मिलता है अपन को एक ग्रैपिंग हाँ पकड़ने वाला, क्रैप के हाथ जैसा, क्रैप के क्लॉ जैसा, क्लॉ पकड़ने वाला क्लॉ। और यहाँ पर मिलती है अपन को बज़ लाइटियर की क्लासिक, उसकी ऊपर वाली हेलमेट का वो क्या कहते हैं इसको, हेलमेट का ना ये भी नाम याद नहीं आ रहा, पर ये हेलमेट है। और यहाँ पर अपन को मिलते हैं लाइटियर के पीछे के विंग्स। और यहाँ पर मिलती है अपन को लाइटियर की प्यू प्यू गन, जो कि प्यू प्यू बोलती है, और इसमें से लेज़र निकलती थी मूवी में, जो हाथ में से निकल आती थी अलग से, पर इसमें अलग से अपन को एक्सेसरी मिली है जिसको अपन लोग हाथ में लगा सकते हैं। चलिए उठाते हैं अपन लोग बज़ लाइटियर को, देखते हैं उसकी डिटेलिंग को, और फिर उसमें लगाएंगे जी वाली एक्सेसरीज। चलिए से भी आगे, तो चलिए डायलॉग बोलता है बज़ लाइटियर टॉय स्टोरी में। और इसकी जो नई फिल्म भी आई है अभी 2022 में, बज़ लाइटियर, लाइटियर नाम है शायद उसका, हाँ लाइटियर, वो भी बहुत बढ़िया फिल्म है। वैसे तो क्रिटिक्स को अच्छी नहीं लगी, पर आप उसको देख सकते हैं, वो इतनी बुरी फिल्म नहीं है। मैं बिलो एवरेज तो नहीं, एबव एवरेज कहूँगा, अच्छी फिल्म है, आप वो भी देख सकते हैं, वो बहुत बढ़िया है। और चलिए अपन लोग देखते हैं अपने एक्शन फिगर को। तो यहाँ पर है बज़ लाइटियर, जिसकी हेड स्कल्प्ट को बड़ी अच्छे से इनने करा है स्कल्प्ट, और बच्चे बड़े अच्छे से करा है। इसकी आइज में भी पेंट, आप आइज में भी पेंट देख पा रहे होंगे, जो कि बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, इन्हें अच्छे से पेंट किया है। जे इसके चिन्ह पे जी एक निशान बना रहता है, इसको भी बड़े अच्छे से इनने पेंट किया है। कहीं पर भी मुझे कोई समझ नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छे से क्लीन पेंट किया गया है इस पर। और इसके चेस्ट के सूट पे भी बहुत अच्छे से इनने डिटेलिंग दी है, और बहुत अच्छे से स्कल्पटिंग है इसके, यहाँ तक पे भी स्कल्पटिंग है इसके, जो यहाँ जिस जे जोन से फोर्स में रहता है, स्पेस में काम करता है, उसका नाम भी लिखा हुआ है। और मैं यहाँ पर स्पेस रेंजर लिखा हुआ है, और यहाँ पर लाइट गियर, यहाँ पर वाला स्विच जिससे जो बोलता है। और यहाँ पर भी अच्छी स्कल्पटिंग दी गई है, और यहाँ पर भी इसके पाँव में अच्छी तरह से कलरिंग की गई है, पूरे में अच्छे से कलर है। पाँव के नीचे अपन को पैग होल्स नहीं मिलते, पर और पूरी अच्छी तरीके से हर जगह इसमें स्कल्पटिंग है। इसके पाँव के पीछे भी हर जगह अच्छी स्कल्पटिंग है अपन लाइट गियर में, देख पा रहे हैं। पीछे यहाँ पर स्केल का कंपार्टमेंट, और यहाँ पर अपन को चिप दिख रही है जिससे कि साउंड आते हैं। और हर जगह इसकी अच्छी स्कल्पटिंग की गई है, इसके हैंड पे भी पूरे निशान दिए गए हैं, जैसे कि जी स्पेस से उड़ने वाला निशान। और यहाँ पर हाथ पे, यहाँ पर है वो वाला, यहाँ पर हाथ में प्यू 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 गन चलती है, जे वाला कंपार्टमेंट खुल जाता था। और यहाँ से जो इसके संग एक्सेसरी मिली है, जे वाली गन निकलती थी, जे भी मिल रही है। और यहाँ पर जे लेज़र निकलती थी, इस वाले बटन को दबा के फिल्म में, वो वाली लेज़र का भी साइन है, पर ये वर्क नहीं करती। तो चलिए अपन ने इसकी डिटेलिंग भी देख ली, अब देख लेते हैं अपन लोग बज़ लाइटियर का आर्टिकुलेशन, फिर इसकी सब एक्सरसाइज में लगा के मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए
तो अपन को इसके हेड में मिल जाता है पूरा 360 रोटेशन, जिससे अपन लोग इसके हेड को आ सकते हैं पूरा 360, और अपन को इसको अप डाउन मूवमेंट नहीं मिलता है इस हेड में, क्योंकि ये बेसिक एक्शन फिगर जैसे ही है, उसमें ज़्यादा उतना आर्टिकुलेशन नहीं है। यहाँ पर अपन को मिल जाती है बढ़िया हिंज, जो कि कुछ इतने ऊपर जा सकती है, 90 डिग्री से बहुत ज़्यादा ही ऊपर जा सकती है। कि अपन को शोल्डर में मिल जाता है यहाँ पर रोटेशन, और इसके हैंड में मिल जाती हैं अपन को सिंगल जॉइंटेड एल्बोस, जो कि कुछ इतना बेंड हो जाती हैं, और इसके अपन को रिस्ट में ही मिल जाता है रोटेशन, जो कि रोटेट कर सकता है। यहाँ पर हिंज नहीं मिलती अपन को, और यहाँ पर इसके बॉडी में आर्टिकुलेशन अपन को मिल जाता है। यहाँ पर एक वेस्ट कट जैसा मिलता है, जो कि वेस्ट कट तो नहीं कहूँगा, टॉर्सो कट कहूँगा, जो कि पूरा 360 घूम सकता है। इसके लेग्स में अपन को कुछ इतनी स्प्लिट मिल जाती है, और पूरी स्प्लिट मिल जाती है, पूरी स्प्लिट कर सकता है बस लाइट ईयर आराम से। और यहाँ पर अपन को रोटेशन भी मिल जाता है ऊपर, और यहाँ पर अपन को सिंगल जॉइंटेड मिलती हैं नीज़, जो कि कुछ इतनी बेंड हो जाती हैं, और इसके अपन को लेग में आर्टिकुलेशन नहीं मिलता, सॉरी लेग क्या, इसके फुट में आर्टिकुलेशन नहीं मिलता, पर अपन को यहाँ पर नी जॉइंट में मिल जाता है रोटेशन, और यहाँ पर अपन को रोटेशन मिल ही जाता है, तो इसमें ठीक ठाक बढ़िया आर्टिकुलेशन है। और यहाँ पर भी सिंगल जॉइंटेड मिल जाता है अपन को एल्बो, और ये भी रोटेशन मिल जाता है यहाँ पर। तो अपन ने इसका आर्टिकुलेशन भी देख लिया, अब मैं इसकी सब एक्सरसाइज लगाता हूँ इसमें, फिर इसको करेंगे एक पोज में खड़ा। तो चलिए बाद में लगा दी हूँ उसकी सब एक्सरसाइज, और कर दिया इसको एक पोज में खड़ा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बस जा रहा है ऐसे, जैसे कि वो लड़ने जा रहा हो किसी और के संग अपने बैटल से, अपनी पीपीयू गन बैटल में, अपनी पीपीयू गन के साथ। देख सकते हैं इसको अच्छा लग रहा है, फिर मैं करता हूँ इसको दूसरे पोज में खड़ा, और मैंने कर दिया इसको एक पाँव पर खड़ा। तो उसमें बैलेंस भी बहुत बढ़िया है, एक पाँव पर खड़ा हो जाता है, अभी तक मुझसे एक भी मार्बल लेजेंड एक पाँव पर खड़ा नहीं हुआ, पर बड़ी आसानी से एक पाँव में खड़ा हो गया। तो जी अपने उस पर जाते हुए जैसे रोलर स्केटिंग कर रहा हो, वैसे रोलर स्केटिंग नहीं पाई है, इससे जल्दी जल्दी जाते हुए किसी लड़ने, और बढ़िया लग रहा है इसकी स्मार्ट के साथ, इसको देख सकते हैं। और चलिए तो इसको करते हैं एक और पोज में खड़ा, बस लाइट ईयर उड़ते हुए टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड, अनंत से भी आगे, ऐसे कुछ ऐसे ही बोलता है जी, ऐसे अनंत से भी आगे ऐसे ही बोलता है जी अपनी फिल्म में। तो चलिए इसको करते हैं एक और पोज में खड़ा, बस लाइट ईयर हाई करते हुए पोज में, इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब बस लाइट ईयर का कंपैरिजन करते हैं कुछ दूसरे एक्शन फिगर्स के साथ। चलिए यहाँ पर अपने बज़ लाइटियर के बगल में मैं ला रहा हूँ मार्वल लेजेंड्स रेट्रोविक क्लासिक स्पाइडरमैन को, इसकी हाइट का आराम से अपन को पता चल जाएगा जिससे इसके बगल में रखने से। तो आप देख सकते हैं दोनों को, दोनों की हाइट बराबर सी है, तो माने बिल्कुल 6 इंच के बराबर ही है बज़ लाइटियर। मुझे लग रहा था ये छोटा है, क्योंकि ये छोटा सा लग रहा है इसकी, माने इसका कुछ बॉडी टाइप या बॉडी शेप ऐसा है कि ऐसा लग रहा है छोटा हो। दोनों खिलौने एक दूसरे के बगल में, हेलो स्पाइडरमैन, आई एम बज़ लाइटियर, हेलो बज़ लाइटियर, आई एम योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। तो चलिए अब मैंने दोनों को भी दिखा दिया, अब इसका कंपैरिजन करते हैं कुछ दूसरे एक्शन फिगर के साथ, और दूसरे एक्शन फिगर के साथ। चलिए हमारे बज़ लाइटियर मैकफार्लेन टॉयज़ एनिमेटेड बैटमैन के बगल में, दोनों की हाइट पर बराबर ही सी है, थोड़ी छोटा है बैटमैन, माने जे 7 इंच से बड़ा हो जाता है जब इसके टैंक बूट्स इसके पाँव में लगा दिए जाते हैं। चलिए मैं इनको निकाल भी दूँ, अब इसको खड़ा करते हैं बैटमैन के बगल में, मुझे बैटमैन के बराबर ही लग रहा है, बैटमैन इससे थोड़ा ही छोटा होगा, छोटा क्या थोड़ा ही बड़ा होगा, वो भी अपने हॉर्न्स की वजह से, वो बैटमैन खड़ा भी नहीं हो रहा है, तो मुझे उसको थोड़ा झुका के खड़ा करना पड़ा। अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा खड़ा करूंगा तो देखता हूँ, हाँ थोड़ा बड़ा है बैटमैन, थोड़ा बड़ा है बस लाइट कैसे। चलिए अब इसको भी रखते हैं एक तरफ, यहाँ पर अपन ने कंपैरिजन भी कर लिया दूसरे एक्शन फिगर्स के साथ अपने बस लाइट गियर का। तो ये बस लाइट गियर बहुत बढ़िया एक्शन फिगर है, और मैं इसको 10 out of 10 रेटिंग देना चाहूँगा। सीधी बात है, नॉस्टेल्जिया की वजह से मैं इसको 10 out of 10 रेटिंग दूंगा। वैसे भी ये एक्शन फिगर बहुत बढ़िया है, बढ़िया अच्छी पेंट है, बढ़िया अच्छा स्कल्पटिंग है, और बहुत अच्छे से रिजेंबलेंस करता है जो अपने मूवी काउंटर पार्ट को। और क्या कहूँ, इसमें आर्टिकुलेशन भी बेसिक है, उतना अच्छा नहीं है, पर ये बहुत बढ़िया एक्शन फिगर है, तो इसमें मैं 10 out of 10 रेटिंग दूंगा। तो यहाँ पर रिव्यू ख़त्म होता है अपने बस लाइट गियर का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे आपको पता चल जाए कि मैं नए एक्शन फिगर की वीडियो कब डालने वाला हूं। मैं एक्शन फिगर की रिव्यू वीडियो भी डालता हूं, टॉय रिव्यूज भी डालता हूं, ड्राइंग शॉर्ट्स भी, और गेमिंग वीडियो भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये एक्शन फिगर कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।